हेलो फ्रेंड्स, मैं राम वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज में जिसका नाम है सक्सेस मंत्राज बाय मास्टर्स। इस सीरीज में मेरी एक कोशिश है कि मैं उन मास्टर्स के बारे में आपको बताऊं जिन्होंने अपनी सफलता को अचीव किया है और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, उन्होंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, उन्होंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूं, वो भी सिंपल शब्दों में, और उसमें मैं अपना भी इनपुट डालता रहूं उसे और सिंपल बनाने के लिए। ये मेरी कोशिश है सक्सेस मंत्रास बाय मास्टर्स में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें, साथ में आप शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए यहाँ से कुछ सीख लें। अगर आप मेरे कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं, दैट इज़ www.ramvarma.com, जहाँ पर आप विभिन्न वर्कशॉप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, विभिन्न कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं दैट आई एम कंडक्टिंग। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सक्सेस के 7th टॉपिक की। लॉ ऑफ सक्सेस वो बुक है जो 25 साल के रिसर्च के बाद लिखी गई है कि लोग किस तरह से सफल हुए हैं और किस तरह से वो असफल भी हुए हैं। दैट बुक हैज रिटन बाय मिस्टर नेपोलियन हिल, जिन्होंने 25 साल रिसर्च की है सक्सेसफुल लोगों को, और उन्होंने पाया है कि सक्सेसफुल लोगों के पास कुछ चीज़ें कॉमन थी। कमाल की बात यह है कि इस किताब में जो 16 चैप्टर हैं वो सिर्फ आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें। सिंपली बात ये समझिए कि जो आपकी सक्सेस है, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ है, जो आप नए लेवल पर जाना चाहते हैं लाइफ के, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आप कितने डेवलप्ड हैं। 21st सेंचुरी में आने वाली शोहरत, पैसा, दौलत, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी आपके व्यक्तित्व के। सो लॉ ऑफ सक्सेस बेसिकली सक्सेस की किताब से भी ज़्यादा ये है कि वो आपको आपके व्यक्तित्व को बेहतर करने की प्रेरणा देती है। आज हम 7वें टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म को आप हिंदी में उत्साह भी कहते हैं। क्यों है सफलता के लिए ज़रूरी उत्साह, ये हम सीखेंगे इस टॉपिक में, और कौन से फैक्टर हैं जो हमारे उत्साह को समाप्त कर देते हैं, और हम क्या करें जब उत्साह हमारा समाप्त हो रहा हो कि उस उत्साह को, उस एंथुसियाज्म को हम दोबारा बना लें। मैं इस प्रिसाइज से टॉपिक में आपको अपने इनपुट भी देना चाहूँगा जो मेरे पास हैं, बाकी किताबों से मैंने लिए हैं, ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लेकर उसे एप्लीकेशन में ले आएं और आप अपने बिजनेस को, अपनी सफलता को अचीव करें। जब हम एंथुसियाज्म की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी एक मेंटल स्टेट मात्र है, ये आपकी एक मानसिक दशा है जिसके द्वारा आप हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए एटीट्यूड के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। जब आपके पास एंथुसियाज्म होता है तो आप अपने काम को और अपने आप को एक पाते हैं, ये दो नहीं रहते। यानी कि आपको उस काम को करने का जो तरीका है वो डिफरेंटली दिखाई देगा। अगर आप एंथुसियास्टिक नहीं हैं अपने काम को करने के लिए तो आप कभी अपने आप को देखेगा दूर से, आपके जो बिहेवियर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आपकी एनर्जी अलग होगी। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक यूथ हो, या कोई भी एक प्रोफेशनल हो, आप अपने काम को हमेशा एंथुसियाज्म के साथ करना सीखें, एक नई एनर्जी उसमें डालें। जब आप एक नई एनर्जी डालते हैं तो आपके आसपास के लोग हमेशा प्रेरित होते हैं कि वो आप पर ज़्यादा यकीन करें, कॉन्फिडेंस लें और वो आपके साथ जुड़ें। जब आप प्रेरणा के स्रोत बनते हैं तो बहुत सारी टीम आपके साथ जुड़ जाती है, जहाँ पर एक मास्टरमाइंड इफेक्ट आता है, जो मैंने सबसे पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर 1+1=3 का इफेक्ट आता है, जिसे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी भी टाइम पर आपका उत्साह कम क्यों हो जाता है और उसे फिर कैसे बढ़ाएं। उसमें पहला रीज़न है कि हो सकता है कि जिस काम को आप कर रहे हो वो गोल आपका बहुत छोटा हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी आदमी लेजी नहीं है, कोई भी आदमी आलसी नहीं है, असलियत में उसके लक्ष्य जो हैं वो बहुत छोटे हैं या आलसी हैं। तो फिर आप क्या करें, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप अपने लक्ष्य को बड़ा करें। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों पर आपकी लाइफ में चैलेंज छोटा हो, तो फिर ऐसे में आपको कभी भी जॉय नहीं आएगा उस गोल को पूरा करते हुए। आप अपने गोल को ह्यूज बनाएं, बड़ा बनाएं, उसे अट्रैक्टिव बनाएं, और इमीडिएटली आप पाएंगे कि उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक नया उत्साह आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि इस गोल को पूरा करने में जो रिवार्ड्स आपको मिलने जा रहे हैं वो आपको प्रेरित ना कर रहे हों। मान लेते हैं आप कोई गोल पूरा कर रहे हैं, आप कोई लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि इसका आपको कोई रिवार्ड तो मिलेगा नहीं, तो आपका हमेशा एंथुसियाज्म, आपका उत्साह कम हो जाएगा।
फिर क्या किया जाए? हमेशा किसी भी काम में उत्साह बढ़ाने के लिए आपको अपने वाई को बड़ा करना होगा, अपने क्यों को बड़ा करना होगा, अपने रीजन को ढूंढना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर में दो बड़े मोटिवेशनल फैक्टर हैं जिन्हें कभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं या किया है आपने, जो भी उत्साह के साथ किया है, उसमें हमेशा दो चीज़ें रही हैं। उस वक्त या तो आप कोई पेन रखते थे जिससे आप बाहर आना चाहते थे और आपने पूरे उत्साह के साथ उस मोमेंट को जिया, अपने काम को किया और रिजल्ट क्रिएट कर दिए, या फिर आपके पास कोई बड़ा गेन था जिसके लिए आप ये काम कर रहे थे। याद रखिएगा, आपका माइंड हमेशा इन्हीं दो मोटिवेशनल फैक्टर पर जीता है। इसको आप कॉन्शियसली अपने माइंड को बता सकते हैं। जब भी आप चाहते हैं कि आप अपने उत्साह को बनाए रखें, तो आप अपने पेन और गेन्स का ऑडिट करिए। फाइंड सम पेन्स इन लाइफ कि जिनको अवॉइड करने के लिए आप इस गोल को पूरा करें, या फिर आपके पास बड़े गेन्स होने चाहिए, प्लेजर्स होने चाहिए, रिवार्ड्स होने चाहिए जिनको आप पाएं इस गोल को पूरा करने के बाद। तीसरी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गोल को पूरा करने के लिए और अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए, वो ये है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, हमेशा मेजर करें। इसे हम NLP में एविडेंस प्रोसीजर भी कहते हैं। हमारे माइंड की बेसिकली एक खास बात होती है कि अगर हमारे माइंड को ये नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको प्रेरणा नहीं देता कि आप आगे बढ़ें। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी कार का ड्राइवर अगर रास्ता भूल जाता है और वो रैंडमली सिर्फ गैस से चला रहा है कि देखते हैं कहाँ जाएंगे, तो आप इरिटेट हो जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि पहले गाड़ी रोको और पूछोगे रास्ता कौन सा है या हमें किस रास्ते से जाना है। याद रखिएगा, ये हमारे माइंड की खास बात होती है। जब भी आप अपने गोल को पूरा कर रहे हो तो थोड़ा मेजर जरूर करें, मॉनिटर जरूर करें कि दिस मच आई हैव अचीव्ड, और जैसे ही आपको लगता है कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस मच, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वाइटल फॉर योर माइंड। ये इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल है, बिकॉज आपका माइंड कहेगा यस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस मच ऑफ माई गोल, और अभी इतना बचा है, और ये आपके उत्साह को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जर्नी कितनी थी, कितनी पूरी हो गई है, कितनी बची है, और सब कम्प्लीटली डार्क है आपके लिए, यानी कि आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, तो आपका माइंड इस उत्साह को समाप्त कर देगा। चौथी चीज़ है कि जो गोल आप पूरा कर रहे हैं उस पर आपका कितना कंट्रोल है। अपने गोल पर अपना कंट्रोल रखिएगा। जब भी आपको लगता है कि दिस गोल इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, तो फिर उसमें आपका उत्साह बचाए रहना बड़ा मुश्किल है। यानी कि यू शुड स्टे इन योर कंट्रोल। और अगर सिचुएशंस का किसी और का कंट्रोल है, तो उसमें आपका क्या कंट्रोल होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप अपने हेल्थ को बनाने के लिए किसी जिम को ज्वाइन करते हैं और अचानक जिम बंद हो जाता है आपकी कॉलोनी में, तो आप एक एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि जिम बंद हो गया था इसलिए मैं सेहत नहीं बना पाया। इसका मतलब है यू आर नॉट एंजॉइंग द कंट्रोल ऑफ योर आउटकम। जब भी आपके माइंड को लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपको उत्साहित नहीं रखता है। आपको नए अप्रोच ढूंढने चाहिए कि मुझे किस तरह से कंट्रोल में रहना है इस गोल को पूरा करने के लिए। पांचवी चीज़ बड़ी हो सकती है कि आपका जो गोल है उसमें जो आप एक एक स्टेप को ले रहे हैं, वो स्टेप्स के चंक जो हैं, पार्ट जो हैं, वो बहुत बड़े हों। इसको इस तरह से समझिएगा कि जब भी हमारा माइंड किसी भी बड़े काम को देखता है, यानी कि किसी भी काम को बड़ा देखता है साइज में, तो कई बार उससे हट जाता है। तो आप क्या करें, जो आपका गोल बना है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और फिर देखिए आपके उत्साह किस तरह से बढ़ता है। एक छोटी सी कहावत है कि हाउ टू ईट एन एलिफेंट, एक हाथी को किस तरह से खाया जाए। आंसर है वन बाइट एट ए टाइम। यानी कि आप अपने गोल को जो बहुत बड़ा है, अट्रैक्टिव है, उसे टुकड़ों में तोड़िए और उन टुकड़ों को पूरा करिए अपना कंट्रोल रखते हुए। और जब वे टुकड़े आपके गोल के पूरे हो रहे हों, तो आप इन्हें मेजर भी करिए, इससे आपका उत्साह बना रहेगा। सो ऑलवेज चंक डाउन योर गोल्स और स्टेप्स। छठी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छठी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में व्यस्त हों जहाँ पर आप उस काम को लाइक ना करते हों, यानी कि उस काम के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ऐसे में आपका उत्साह नहीं बचेगा। जिन गोल्स की इमेजेस अच्छी हैं आपके माइंड में, आप हमेशा उन्हें पूरा कर लेते हैं, और जिन गोल्स की इमेजेस अच्छी नहीं हैं, आप उन्हें पूरा नहीं करते। इस वर्ड को हम NLP में आइडेंटिफाई कहते हैं, यानी कि आप अपने गोल के साथ आइडेंटिफाई करें।
जब भी आप और आपका गोल दो होंगे तो आप उस गोल में कभी भी उत्साहित नहीं होंगे, वो आप हैव टू में कर रहे होंगे, यानी कि आपको करना पड़ रहा है तो आप कर रहे हैं, एक जॉब की तरह, एक मैकेनिकल आपकी एनर्जी होगी, वर्क होगा, आपकी आइडेंटिटी और आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। सो अगर आप उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं तो उस गोल में अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोचिए कि जो गोल आप पूरा कर रहे हैं ये आपके फैमिली को किस तरह से पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। जैसे ही ये सवाल आप लेंगे और आप अपने फैमिली को सामने रखेंगे और इस गोल से आने वाले जो रिवार्ड हैं वो फैमिली की तरफ आप मोड़ते हुए या ट्रांसफर करते हुए देखेंगे, आपका उत्साह बढ़ जाएगा। नो यू आर नॉट डूइंग दैट जॉब, रादर यू आर हेल्पिंग योर फैमिली। सो इस तरह से आप अपने गोल के साथ आइडेंटिफाई करिए। ये कई बार गड़बड़ हो जाती है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो आपका मोटिवेशन तो बना हुआ है, लेकिन जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन उतना नहीं बन रहा। पता है क्यों? बिकॉज आप तो अपने काम के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं पर वो लोग इस काम को आपका काम मान रहे हैं, वो अपना काम नहीं मान रहे हैं। अगर उन लोगों को हेल्प की जाए कि किस तरह से वो इस काम को अपना मान ले डीप डाउन इन देयर सबकॉन्शियस माइंड, उनका एंथुसियाज्म, उनका उत्साह बढ़ता रहेगा और वो बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। सातवीं चीज़ है जो आपके एंथुसियाज्म को किल करती है, वो है इंटरनल ऑब्जेक्शंस। जब भी आपके अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा किसी भी गोल के प्रति, आप कभी भी उसमें उत्साह नहीं दिखा पाएंगे। आप आधे अधूरे मन से उसे पूरा कर रहे होंगे, मैकेनिकली कर रहे होंगे, दिल से नहीं कर रहे होंगे। दिल से उस काम के साथ जुड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर लें। हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट आपके उस गोल को पूरा करने में जो टीम लगी हुई है उन लोगों के साथ है, तो उनके साथ बैठिए और उनसे जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उनके साथ डिस्कस करिए। हो सकता है कि आपका कोई फियर हो सकता है आपका कोई डाउट हो सकता है इसमें आपकी कहीं फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रही हो। इन सब चीज़ों को पहले से रिजोल्व कर लें, बिकॉज एंथुसियाज्म इज ए स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड एक ही रह सकती है आपकी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप एंथुसियाज्म जैसी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रखना चाहते हैं तो उस समय कोई भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों नहीं हो सकते। और हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड वो हमेशा ज़्यादा एम्पावरिंग होती है पॉजिटिविटी के ऊपर। आठवीं चीज़ है कि हो सकता है कि आपके पास कोई नेगेटिव ट्रिगर्स हों, आपके पास कुछ ट्रिगर्स हों, इंटरनल डायलॉग्स आपके पास हो सकते हैं, किसी का चेहरा देख कर के, कोई आपके टीम में ऐसा मेंबर है जिसे देखते आपको गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कि कुछ आपके पास ऐसे ट्रिगर्स बने हों जो आपको फियर की स्टेट में डाल रहे हों, डाउट की स्टेट में डाल रहे हों, फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में डाल रहे हों। तो जल्दी से जल्दी उन ट्रिगर्स को कोलैप्स कर लें, NLP इसमें आपकी हेल्प कर देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो ट्रिगर्स हैं वो डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं, और वो ट्रिगर्स इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपको एक ऑब्सेसिव बिहेवियर दे देते हैं, आप चाहते हैं कि आप काम करें लेकिन कल पर टाल देंगे। सो अगर एंथुसियाज्म भी आप रख रहे हैं लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का ट्रिगर आपके सामने आ गया है तो आप एंथुसियाज्म को छोड़ देंगे और कल पर चीज़ों को टाल देंगे। सो इन ट्रिगर्स को हटाइए। नवी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी बेटर हेल्थ। जब भी आप हेल्दी होंगे आप हमेशा अपने उत्साह को बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, शुगर लेवल आपका डाउन है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपनी ऑप्टिमम हेल्थ को नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो आप उत्साहित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सक्सेस के साथ साथ अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। जितनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी उतना ही माइंड में आपकी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगी, और एंथुसियाज्म चूंकि स्टेट ऑफ माइंड है जिसे पॉजिटिव रखने के लिए आपका हेल्दी रहना जरूरी है। और दसवां कारण है कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है लोगों का, वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर आपको कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं मिल रही है, लोग अननेसेसरीली आपकी लेग पुलिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपकी बैक बाइटिंग तो नहीं हो रही है, अननेसेसरी नेगिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिनके होते हुए आप अपने उत्साह को नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस एरिया को रिजोल्व करिएगा, तभी आप अपने उत्साह को बनाए रखेंगे। इस तरह से आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिएगा।
मैं आशा करता हूं कि ये 10 पॉइंट आपके उत्साह को बनाए रखेंगे और आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने आउटकम को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक एंजॉय करते रहिएगा सक्सेस मंत्रास बाय मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच।